तार निकाल दे, उम्मीद देखो चार्ज कितना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सब कुछ ठीक है तो मैसेज भेजो। सबको लिंक मिल गया, सब ऑनलाइन हो, आवाज ठीक है, फोटो ठीक है तो मैसेज भेजो प्लीज। राइट, गुड मॉर्निंग सोनिया, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग आशा जी, सुप्रीत गुड मॉर्निंग। मिलन गुड मॉर्निंग, साउंड ओके सोनिया, राइट। नो वीडियो, वीडियो है, फोटो नहीं आ रही, वीडियो इज नॉट कमिंग। सोनिया फोटो नहीं आ रही, मैं दिख नहीं रहा, फोटो नहीं आ रही, बच्चे कह रहे फोटो नहीं आ रही। क्या चक्कर है, फोटो आ रही है अजय को, फोटो आ रही है, सोनिया जी आपको नहीं आ रही फोटो, चेक करो आपके यहां से गड़बड़ ना हो। आशा जी को मैं विजिबल हूं, अजय भी कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके, हाँ जी उमंग, हेलो, हाँ जी, हाँ जी उमंग बोलो। नहीं चल रही है, आप ग्रुप से लिंक नहीं लिया आपने, ग्रुप में देखा करो ना, सबको अलग अलग भेजना मुश्किल हो जाता है, ग्रुप से उठाओ। राइट सोनिया, एवरीथिंग इज ओके, गुरसुपिंदर एवरीथिंग इज ओके,
रूबी जी, वीडियो इज ऑन रिस्ट्रिक्टेड मोड, नॉट विजिबल, ये कैसे होगा? रिस्ट्रिक्टेड मोड पर वीडियो आपका होगा, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ से तो बाकी बच्चों को आ रही है फोटो, आप चेक करो, आप अपनी तरफ से देखो कुछ। गुड मॉर्निंग अदिति। स्टार्ट करते हैं, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एंड कल मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों की तरफ से, वो भी टेकअप कर लेते हैं। बाकी जो मैंने आपको बोला था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रेट दैट इज नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, पानी की पतली पट्टी ज्वाइनिंग दो बड़ी वाटर बॉडीज, दो बड़ी पानी की बॉडीज, दो बड़े समंदरों को ज्वाइन करने वाली एक पतली पानी की पट्टी इज नोन एज स्ट्रेट। जैसे ये एटलांटिक ओशन, ये मेडिट्रेनियन ओशन, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली छोटी सी पानी की पट्टी जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये होता है स्ट्रेट। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, ये आपने मुझे बताना था। और ज़्यादातर सब बच्चों ने मुझे मैसेज भेज के बताया है कि दिस इज पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, और ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये सब कुछ बातें भी स्टूडेंट्स ने भेजी हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं आपके, कुछ डाउट्स हुआ करें तो आप मुझे भेजा कीजिए। एक क्वेश्चन आया है कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने एक दो दिन पहले ये बातें डिस्कस की हैं, कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, या कैपिटलिज्म क्या होता है वर्सेस सोशलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद। अब समाजवाद के आगे कई रूप हैं, कई डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां कम्युनिज्म कहलाती हैं, जहां थोड़ा थोड़ा वायलेंस का भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, हथियार भी उठाने लगें, वो कम्युनिज्म की आगे डीप डिग्रियां होती हैं। आगे कम्युनिज्म भी अलग टाइप की होती है, एक होती जिन जिन लोगों ने आइडिया दिया कि ऐसी कम्युनिज्म होनी चाहिए, हमें ऐसे अपने अधिकार लेने हैं, हमें अमीर गरीब के बीच खाई ऐसे कम करनी है, उनके नाम से कम्युनिज्म का नाम हो गया। जैसे मार्क्सवादी कम्युनिज्म, लेनिनवादी कम्युनिज्म, स्टैलिनवादी कम्युनिज्म, ऐसे हो गया। मार्क्स, कार्ल मार्क्स जर्मनी, उन्होंने जिस तरह की कम्युनिज्म का आइडिया दिया तो हम बोलते हैं भैया ये तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हैं, ये कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी से चलेंगे। फिर ये कम्युनिज्म रशिया की तरफ आया, USSR की तरफ आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बाद, वहाँ लेनिन स्टैलिन जिन जिन लोगों ने रूल किया वो कम्युनिज्म वहाँ वैसा आ गया। स्टैलिन एक डिक्टेटर टाइप था,
वो ज्यादा हथियार इस्तेमाल करता था, दबाता था लोगों को, तो कम्युनिज्म का मतलब यही समझा जाने लगा कि भैया जो ज्यादा बोले सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बोले, उसकी पिटाई करो, उसको दबाओ, ये भी एक ब्रांड ऑफ कम्युनिज्म हो गई। फिर एक चाइना में भी जो कम्युनिज्म आया, तो चाइना के बड़े लीडर्स जिस तरह से कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, वो भी कहलाया माओवादी कम्युनिज्म, माओ जी डोंग। माओ जी डोंग चाइना के बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि पावर लाइज एट द बैरल ऑफ द गन। जो सत्ता होती है वो बंदूक की नोक पे होती है। अगर आपको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, तो भैया बंदूक उठाओ, हथियार उठाओ, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। हे कमजोरों, हे गरीबों, तुम्हें मांगने से तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, तुम्हें अपना हक छीनना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें बंदूक हथियार उठाने पड़ेंगे। ये माओ की फिलॉसफी थी। इसीलिए इंडिया के नक्सलवादी माओ से प्रभावित हुए और इंडिया में आके उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज की और ये माओवादी कहलाए। इंडिया में माओवादी होते हैं, माओवाद होता है, आप जानते ही हो। वो इसी कारण माओवादी कहलाते हैं कि वो माओ की फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, माओ की कम्युनिज्म ब्रांड को वो फॉलो करते हैं। तो कम्युनिज्म की ब्रांड इस तरह से अलग अलग मानी जाती है। सोशलिज्म एक बड़ी टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, उसके नीचे अलग अलग प्रकार की कम्युनिज्म होती है। अब आज की डेट में चाइना में भी कम्युनिज्म है, पर उसका भी ब्रांड अलग है, वो चाइनीज कम्युनिज्म अलग है। कम्युनिज्म में तो कोई भी प्राइवेट कंपनी को आने का मतलब ही नहीं होता, पर चाइना तो देखो दुनिया भर की FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करता रहता है, बाहर की कंपनियों को इन्वाइट करता है अपने यहाँ। अभी पीछे कोरोना काल में हम क्या सोच रहे थे कि शुक्र है कोरोना और चाइना की बदनामी हो रही है, ये वो, सारी विदेशी कंपनियां चाइना से निकल के हमारे देश में आ जाएंगी, हमें तो फायदा हो जाएगा, हम ऐसा सोच रहे थे। तो चाइना में भी विदेशी कंपनियां होती हैं, खूब होती हैं, पर कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो नहीं होती, नहीं होती। तो चाइना ने क्या अपना कम्युनिज्म का ब्रांड तरीका बदल दिया है? बदल दिया है। अब वो बाहरी पूंजी निवेश को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, वो चाहता है बाहर से पैसा आए, चाहता है। तो उनकी कम्युनिज्म अलग प्रकार की है, राइट? मैं देख लेता हूँ कोई छूट ना गया हो। बच्चे पूछ रहे हैं इज द क्लास टुडे। राइट, एक और शब्द होता है कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म वो अलग होता है, कॉम्युनिज्म और कॉम्युनलिज्म वो अलग है, वो सांप्रदायिकता है। क्या है उसकी स्पेलिंग? कॉम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये क्या होता है कम्युनलिज्म? और ध्यान करो जो वर्ड आता है कम्युनल, रॉयट, दंगे, वो वर्ड इसी से आता है, इन्हीं से बना है कम्युनल रॉयट। ये क्या होता है? ये है सांप्रदायिकता, और रॉयट मतलब दंगे, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे आप समझते हो, एक संप्रदाय, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप के बीच में दंगे। और ये कम्युनलिज्म भी कई प्रकार की होती है। कम्युनल होने का मतलब अपने ग्रुप के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति लगाव होना। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इस कम्युनलिज्म की भी आगे डीप डीप डिग्रीज हैं। अपनी कम्युनिटी के प्रति लगाव होना कम्युनलिज्म है, अपनी कम्युनिटी को अच्छा कहना कम्युनलिज्म है,
अपनी कम्युनिटी को अच्छा कहना, दूसरे को बुरा कहना, ये कम्युनलिज्म है। ये अलग अलग डिग्री हैं। अपनी कम्युनिटी को अच्छा कहना, दूसरे को बुरा कहना और कहना दूसरे को रहने का हक ही नहीं है, ये एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है। अपने को अच्छा कहना, दूसरे को बुरा कहना, दूसरे को रहने का हक नहीं है, इसलिए इनको मारो, काटो, यहां से भगा दो, ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कम्युनलिज्म है जो इंडिया में भी देखने को मिली, जिस कारण दंगे होते हैं, जिस कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता। ये भी हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे, कॉम्युनलिज्म की अलग अलग डिग्रीज, उसकी फॉर्म्स। कॉम्युनल होना बुरा नहीं है, उसकी एक्सट्रीम डिग्रियां बुरी हैं। तो कॉम्युनिज्म अलग शब्द है, कॉम्युनलिज्म एल आता है वो अलग शब्द है, ध्यान रखिएगा, राइट। और आपने कोई क्वेश्चन पूछा है और ध्यान नहीं आ रहा है मुझे? कुछ बच्चों ने अच्छे अच्छे वर्ड्स भी निकाले हैं, वो रजिस्टर भी लगाया है, उसका फोटो भी मुझे खींच के भेजा है। एक सेकेंड, गौरव लिंक नहीं पहुंचा है, ग्रुप से देखा करो, मैं भेजता हूं। आज दोबारा से एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ मैं आप सबका, तो एक ही बार में ग्रुप में आ जाएगा। मुझे सुबह प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह सुबह एक एक को ढूंढ ढूंढ के भेजना, तो कई बार मिस हो जाते हैं कुछ बच्चे इस कारण, राइट। तो कल हमने पढ़ा, कल हमने जाना यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर, ये पढ़ा था। और हमने जाना था 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कल हमने जाना था कि 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड पावर्स जीती, अलाइड मित्र मित्र देश जीते, और मित्र देश में कौन कौन थे? यूएस, यूएसएसआर, ये दोनों एक ही तरफ से लड़े थे, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे देश। और इन्होंने जर्मनी वाले देशों को हराया जिनका लीडर जर्मनी था, तो ये लोग जीते। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते ही ये अलग अलग खेमों में हो गए, ये पहले से दुश्मनी थी, लेकिन जर्मनी हिटलर का खौफ इतना ज्यादा था जिसने इन दुश्मनों को भी इकट्ठा कर दिया, एक तरफ इकट्ठा लड़ने को मजबूर कर दिया। जब हिटलर का खतरा नहीं रहा तो ये अलग अलग हो गए। अब यूएसए को खतरा यूएसएसआर से हो गया, कम्युनिज्म से हो गया, अब उसे कम्युनिस्ट लोग खतरनाक लगने लगे, पहले हिटलर खतरनाक लगता था, इसीलिए ये फिर एक दूसरे के दुश्मन हो गए और दुनिया दो ग्रुप्स में, दो ब्लॉक्स में बट गई। कुछ देश इनके साथ जुड़ गए, कुछ देश इनके साथ जुड़ गए, लेकिन इंडिया किसी के साथ नहीं जुड़ा, उसने नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम चलाई। नेहरू और दुनिया के और कुछ देशों के लीडर्स ने मिलके नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। ये चीज़ें कल हम देख चुके हैं। फिर 91 में के बाद यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर इतना पावरफुल नहीं रहा, अब दुनिया में एक ही पावरफुल देश रह गया, वो था यूएसए, यूएसए। अब दुनिया यूनिपोलर हो गई, यूनिपोलर, पहले बाईपोलर थी, लेकिन धीरे धीरे यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट रशिया फिर मजबूत हुआ, रशिया पावरफुल हुआ। तो अब यूएसए और रशिया ये सीन में आए, साथ साथ चाइना भी मजबूत हो गया था। तो अब यूएस, रशिया, चाइना, ये तीन बड़े कंट्रीज हो गए, और भी कुछ कंट्रीज अब बड़े मजबूत होने शुरू हो गए। तो अब दुनिया
मल्टीपोलर हो गई, बहुध्रुवीय हो गई। अब दो ध्रुव नहीं है, दो पोल्स नहीं है, एक दो तीन, ये बड़े कंट्रीज हो गए। इनके इर्द गिर्द देश, छोटे देश इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो आजकल दुनिया ऐसे चल रही है, मल्टीपोलरिज्म। इंडिया का क्या स्टैंड है इस मल्टीपोलरिज्म में? इंडिया इसको अच्छा मानता है। हम ये मानते हैं कि दुनिया में मल्टीपोलरिज्म ही होना चाहिए। इससे आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते हैं, कंट्रोल बना रहता है। कोई एक कंट्री पावरफुल हो जाए तो दुनिया को दबा सकता है। तो इसको रोकने वाला रशिया है, चाइना है। चाइना कुछ दादागिरी करे तो रोकने वाला यूएस है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अब कल के न्यूज़ अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा देखो, आइडिया लगाओ क्या क्या न्यूज़ थे कल के। कल के न्यूज़ में यूएस और चाइना, साउथ चाइना सी को लेके फिर थोड़ी तनातनी हो रही है इन दोनों के बीच में। यूएस ने फिर से बोला है कि चाइना, साउथ चाइना सी में सिर्फ तेरा अकेले का ही कब्जा कंट्रोल नहीं है, आसपास के छोटे देशों का भी कंट्रोल है। हम जानते हैं ये चाइना है और यहाँ साउथ चाइना सी है। ये पूरा जो सी है, समंदर है, इस पर चाइना अपना कंट्रोल चाहता है, कब्जा चाहता है। लेकिन आसपास के कंट्रीज, छोटे कंट्रीज, ब्रुनेई, वियतनाम, लेओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ये भी चाहते हैं कि हमारा भी इसमें कुछ हिस्सा है। ये जो थोड़े बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, इनका ज़्यादा हिस्सा है, फिलीपींस। तो इनका आपस में झगड़ा है, हालांकि जापान दूर है, जापान यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। पर इन सब छोटे देशों को, वियतनाम जैसे छोटे देशों को चाइना दबाता है। इसलिए यूएस इधर, यूएस है, यूएस आता है इनकी मदद करने। प्लस यूएस ये भी चाहता है साउथ चाइना सी पे अकेले चाइना का कब्जा ना हो। कल को हमारे शिप्स इधर से निकलने होंगे तो चाइना नहीं निकलने देगा। ये न्यूज़ भी थी। और बाकी अब आप पढ़ ही रहे हो हांगकांग वाला मामला, जो न्यूज़ आ रही हैं उसको आप फॉलोअप रखो। हांगकांग की बेसिक स्टोरी मैंने आपको बताई थी। हांगकांग को लेके भी यूएस और चाइना में थोड़ी सी टेंशन रहती है। हांगकांग के बारे में बताया था, ये चाइना है, यहाँ हांगकांग है। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग चाइना को वापिस दे दिया था, 99 साल की लीज के बाद। हांगकांग वापिस आ गया चाइना के पास। हांगकांग पहले 99 साल पहले चाइना का ही पार्ट था, ब्रिटेन ने युद्ध में चाइना से जीत लिया था। अब हांगकांग ब्रिटेन की टेरिटरी बन गया था, 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था। तो 99 साल तक हांगकांग ब्रिटेन के साथ रहा। इसलिए हांगकांग के लोग भी एंजलिसाइज्ड हो गए, उनका अंग्रेजीकरण हो गया, उनके तौर तरीके अंग्रेजों वाले हो गए। इसलिए 99 साल बाद जब ये वापस आए चाइना के पास, तो ये बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेसी के तरीके से रहते आए थे, लेकिन चाइना तो अब कम्युनिस्ट कंट्री है, वो तो अधिकारों को, आम जनता के अधिकारों को दबाता है। इसलिए हांगकांग वाले बहुत खुश नहीं थे और वो डेमोक्रेसी की डिमांड करते थे। ये दबाव में आके चाइना ने एक्सेप्ट किया कि हांगकांग वालों तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ थोड़ी डेमोक्रेसी चलने देंगे, पर तुम रहो मेरे अंडर, तुम रहो हांगकांग, तुम रहो चाइना का पार्ट, लेकिन अपने तरीके से अपना प्रशासन चला लो, अपनी डेमोक्रेसी चला लो। तो एक देश हुआ, दो सिस्टम अलाउ कर दिए चाइना ने। एक सिस्टम यहाँ के लिए, एक हांगकांग के लिए अलग। या तो कम्युनिस्ट तरीके से सिस्टम चलेगा या डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगा। तो चाइना ने मजबूरी में ऐसा किया, लेकिन वो मजबूरी में किया था। धीरे धीरे चाइना हांगकांग पर ज़्यादा कंट्रोल चाहता है, और इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूएस वो ऐसा नहीं करने देते।
इसलिए हांगकांग के लोगों को उकसाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। और चाइना इतराज करता है कि तुम अमेरिका, तुम हांगकांग के मामले में क्यों बोलता है। अमेरिका कहता है, भैया हांगकांग के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो कल अमेरिका ने क्या किया, हांगकांग से जो एक्सपोर्ट होता था, जो अमेरिका एक्सपोर्ट होता था, उसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, अमेरिका ने वो प्रिविलेजेस देने बंद कर दिए हांगकांग को। पहले जो खास रियायतें मिलती थी, कोई भी सामान हांगकांग से अमेरिका जाता था उस पर टैरिफ यानी टैक्सेस नहीं लगते थे, अब यूएस ने बोला है, भैया स्पेशल सेंक्शन खत्म, क्योंकि तुम तो दबा रहे हो हांगकांग को। तो ये चाइना के लिए एक झटका है। अब हांगकांग के सामान को भी वैसे ही डील किया जाएगा जैसे चाइना के सामान को अमेरिका में। तो अमेरिका ने ऐसा बोला है, इससे चाइना थोड़ा नाराज भी हुआ है, तो चाइना भी रिटेलिएट करता है, बदले की भावना से कोई ना कोई कार्रवाई करता ही है। ये न्यूज़ है, राइट? और कोई न्यूज़? लोकल अपने देश में कोई खास न्यूज़? राजस्थान वाली न्यूज़ आप फॉलो करो, देन ईरान वाली न्यूज़ थोड़ी बहुत हमने डिस्कस की थी, वो भी न्यूज़ आ रही है, उसको भी समझो। वो न्यूज़ क्या थी, ईरान वाली थोड़ी समझो। देखो, कुछ टाइम पहले यूएस और ईरान के बीच में ज़्यादा टेंशन थी। वो इसलिए कि ईरान अपने यहाँ न्यूक्लियर बम बना रहा था और अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। इसके न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके एक लंबी स्टोरी है, हम अभी उधर नहीं जा रहे, हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और बोला कि मैं ईरान से तेल नहीं खरीदूंगा, ईरान की कंपनियों से डील नहीं करूंगा, और जो देश खरीदेंगे, जो देश भी डील करेंगे, जो कंपनियां डील करेंगी ईरान से, उन्हें मैं ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, ऐसा यूएस ने बोला। इंडिया का अच्छा खासा तेल ईरान से आता था, यूएस के दबाव में हमने वो तेल लेना बंद कर दिया, यूएस का दबाव था। अमेरिका चाहता है कि ईरान की इकोनॉमी को बुरी तरह से चोट पहुंचाए, इसलिए सब देशों को उसने मना किया कि ईरान से कोई भी खरीदारी नहीं करोगे। लेकिन इससे पहले, इस सेंक्शन से पहले, इंडिया ईरान के रिलेशंस तो बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से, कोई झगड़े का कारण ही नहीं रहा। इससे पहले ये इंडिया है, यहाँ ये पाकिस्तान है, यहाँ ईरान है। यहाँ ईरान में इंडिया ने चाबहार में, चाबहार में पोर्ट का निर्माण किया, पोर्ट बनाया, है ईरान लेकिन बनाया इंडिया ने, तो एक तरह से इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये ईरान में, इंडिया ने ईरान में जाके इन्वेस्ट किया। और इसका एक कारण भी है, कारण ये है, इंडिया और अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान है, के रिलेशंस अच्छे हैं और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान उसका दोस्त बना रहे। लैंड लॉक्ड कंट्री है, सेंट्रल एशिया में आसपास बड़े देशों से घिरा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ दोस्ती जरूरी है और वहां शांति बने रहना भी जरूरी है। अब इंडिया बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाता है अफगानिस्तान में, वहां सड़कों का निर्माण भी करता है, वहां की पार्लियामेंट का निर्माण भी इंडिया ने किया है अफगानिस्तान की। लेकिन इंडिया के पास
अफगानिस्तान जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब से कश्मीर के ऊपर वाले एरिया पर, पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है उस एरिया पर, तब से हमारा रास्ता बंद है। समझ के देखो, ये मान लीजिए ये कश्मीर है, तो ये वाले एरिया से हम जा सकते थे अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान है, लेकिन यहाँ तो पीओके पाकिस्तान का कब्जा है, इसीलिए। और रोड रास्ते से, जो रोड रास्ता है वाघा बॉर्डर से, वाघा से आगे अफगानिस्तान तक, ये पाकिस्तान हमें रूट रास्ता नहीं देता, तो इधर से तो हम अफगानिस्तान नहीं जा पा रहे हैं रोड से। तो हमने तरीका निकाला कि यहाँ ईरान है और इधर अफगानिस्तान है, क्यों ना हम सामान यहां पहुंचा दें ईरान में, और ईरान से अफगानिस्तान सड़क के रास्ते पहुंचा दें। हाँ, ये सही है, गुड आइडिया। तो इंडिया ने यहां ईरान में चबाहार पोर्ट का निर्माण किया। अब जब यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर, तो टेंशन हो गई। इंडिया, यूएस ने मना कर दिया कि चबाहार में कोई सामान आप नहीं भेजोगे, और काम भी चल रहा था वो काम भी नहीं करोगे, तेल भी नहीं खरीदोगे। हमने बोला यूएस को, भाई अमेरिका ये चबाहार को माफ कर दे, अपनी सैंक्शन से एग्जेम्प्ट कर दे, यहां सैंक्शन मत लगा, क्योंकि यहां हम लोगों ने अफगानिस्तान में सामान भेजना है, खाने का सामान भेजना है, गेहूं भेजना है, और अफगानिस्तान में तो अमेरिकन फौजें भी तो टिकी हुई हैं, नाटो फोर्सेस जो वहां तालिबान से लड़ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से ट्रंप को ये बात समझ आई, और उसने चबाहार को एग्जेम्प्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, इसको सैंक्शन के दायरे में हम नहीं रखते, क्योंकि इससे अमेरिका को भी फायदा है, अमेरिकन फौजें जो अफगानिस्तान में तैनात हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान सामान भेजना है तो बजाय इधर वाघा बॉर्डर की तरफ से या कश्मीर की तरफ से निकालने के, हम गुजरात में जो कांडला पोर्ट है, कांडला, उधर से समंदर के रास्ते यहाँ चबाहार सामान पहुंचा देते हैं, और चबाहार से रोड से हम अफगानिस्तान सामान पहुंचा रहे हैं। अब हमारा ईरान के साथ एक और समझौता हुआ कि लगभग 600 किलोमीटर लंबी एक और रेल लाइन बनाएंगे, यहां चबाहार से लेके जयडान तक, जगह है जयडान, जहेदान ऐसे नाम है, तो चबाहार से लेके जयदान तक एक सड़क रेलगाड़ी बनाएंगे, रेल पटरी बिछाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिला, अच्छा है, बढ़िया है, इंडिया की रेल बनाने वाली सरकारी कंपनी, जिसे हम कहते हैं इरकोन, इरकोन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी इरकोन, तो इरकोन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कि चबाहार से ऊपर अफगानिस्तान के एक सिटीज तक तुम रेलगाड़ी बिछा लो। ये जो मोदी 2016-17 में ईरान गए, तब ये समझौता करके आए थे। अब 2016-2020 आ गया, इंडिया ने यहां एक ईंट तक नहीं लगाई, ना अफगानिस्तान ईरान को पैसा दिया। तो ईरान ने परसों बोला, इंडिया तू बस कर, तुझसे ना हो पाएगा, ना तू पैसा दे रहा है, ना कोई काम कर रहे हो। और उससे एक दिन पहले ईरान और चाइना की 25 साल तक चाइना ईरान में सैकड़ों बिलियन डॉलर, 400 लगभग 400 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है अगले 25 साल में, यह समझौता हो गया।
अब 400 बिलियन डॉलर्स तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यहां तो 500-700 करोड़ लगने थे खाली। इतना बड़ा समझौता चाइना और ईरान का हो गया, अब ईरान को इंडिया के पैसे की क्या जरूरत है? तो फिर ईरान को अगर चाइना मिल गया तो ईरान ने फट इंडिया को धोखा दे दिया, ऐसा माने? ऐसा भी नहीं माने, ये इंडिया की भी गलती है। 4 साल हो गए भैया, तुम कुछ मूवमेंट तो करो, थोड़ा बहुत तो सामान ले जाओ, थोड़ा पैसा वैसा खर्च तो करो। इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने ऐसा क्यों किया? इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खर्चा किया? इंडिया को ये प्रॉब्लम है, पहले तो यूएस ने चाबहार पर सैंक्शन ही लगाए हुए थे, वो सेंक्शन हटे, इंडिया ने सोचा चलो सामान मंगाओ, तो जो मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो ही डरी बैठी हैं। वो कहती है ना भैया हमें माफ करो, अब तुम्हें सामान सप्लाई करेंगे, ईरान में रेलगाड़ी चलनी है, भैया अमेरिका हम पे फिर सेंक्शन लगा देगा, हमारी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर देगा कि तुम तो ईरान को माल सप्लाई करते हो। तो वो कंपनियां कोई भी माल सप्लाई करने को तैयार नहीं है, इसलिए इंडिया ने कुछ मूवमेंट नहीं की, इंडिया ढीला पड़ गया। तो इंडिया का क्या कसूर है? जब कोई कंपनी सामान ही नहीं दे रही तो हम क्या करें फिर? कम से कम अगर सामान नहीं मिल रहा तो डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू ईरान को ठंडा तो करके रखते, जी सामान नहीं आ रहा, अभी आने वाला है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा वो टिका के तो रखते, रिश्ता तो ना खराब होता। हालांकि अभी भी उतना रिश्ता खराब नहीं हुआ है जितना हम सोच रहे हैं, इंडिया सेटबैक मान रहा है इसको। ईरान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ो तुमने नहीं करना तो चाइना को दे दो, ये कर लेगा, ये हाल है। पर फिर भी ये जो कुछ भी हुआ है इसे अच्छा नहीं माना जाता, कल को और भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने होते हैं। ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, तो और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, दुनिया में रेपुटेशन कैसी हो जाएगी? इरकोन वो चबाहार वाला प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, इससे तो कुछ होगा नहीं, ऐसी रेपुटेशन हो जाएगी, तो इसलिए इंडिया का नुकसान माना जाता है। दूसरा, ये भी कल इंडियन एक्सप्रेस ने क्या बताया कि इंडिया ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो इंडिया को मिले हुए हैं, इंडिया ने बहुत डिले किए, जैसे नेपाल में एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट था, शायद नाम उसका पंचेश्वर डैम है या ऐसा है, 1991 का प्रोजेक्ट है, 90s का, हमने नेपाल को बोला कि डैम हम बनाएंगे, अभी तक नहीं एक ईंट लगाई हमने वहां, तो नेपाल कब तक इंतजार करेगा? राइट, ऐसे ही म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाली उधर भी हमने एक सड़क बनानी थी, वहां भी हमने अभी तक कुछ नहीं किया, और इन द मीन टाइम चाइना ने वहां सड़क पहुंचा दी, तो हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। राइट, तो ये मुद्दा है, अब अखबारों में आजकल आ रहा है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप इसको पढ़ोगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। राइट, चलिए जी, अब और कोई इशू? नहीं। राइट, अब हमने कल परसों से इंडियन पॉलिटी प्रॉपर पढ़ना शुरू करना है, तो जो मैंने डिस्कस किया है अभी तक आपके साथ, जिन लोगों ने अभी नई डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, जब हम पहले टॉपिक से पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सारी डिस्कशन फिर से करेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, वो हम ऐसे पढ़ेंगे कि
जैसे इस तरह से पढ़ेंगे, कोई टॉपिक है जैसे काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, तो उसके स्लाइड्स हम बना लेंगे ये। थोड़ा सा मैं अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हूं इन चीजों के साथ। ऐसे काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी ये क्या होती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ऐसे हम स्लाइड्स बना के काम कर लेंगे सभी। ये इस तरह की चीजें हैं, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, ये सब चीजें कैसे होती हैं। ये तो सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, उनको ऐसे स्लाइड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्लाइड से ही मैं आपको समझाता चलूंगा और आपने वो स्लाइड्स डाउनलोड कर लेनी है। तो एक तरह के वो नोट्स आपके पास प्रॉपर तैयार हो जाएंगे।